अच्छा जी, अज की वीडियो दे विच गल करनी आ कि किवें अमरीकी डॉलर बनिया जिहड़ा सब तो पावरफुल करंसी, ते की डॉलर नूं रौंद पाएगी रूस चीन की स्ट्रैटेजी, ते भारत का भी अहम किरदार। सो जी, हुण इह 'च बहुत इंट्रस्टिंग गल्लां मैं दसन जा रहा, जिन्हां ने करना ना ओह डॉलर 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 ओह ना वीडियो देखियो, क्योंकि पता कि वीडियो भी लंबी होनी आ, समझ भी नहीं लगनी। मेरा भी तुसीं मतलब कि पढ़ के पुट्टे सिद्धे कमेंट करने, तो अपना भी टाइम खराब करना। सो जी, दूसरे विश्व युद्ध तक ज़्यादातर देशों के कोल जिन्ना सोने का भंडार हुंदा सी उन्नी ही वैल्यू की करंसी जारी करते सी। 1944 दे विच दुनिया के 44 देशों के डेलीगेट्स मिले, तो अमरीकी डॉलर के मुकाबले सारिया करंसियां का एक्सचेंज रेट तय किया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के कोल सब तो ज़्यादा सोने का भंडार सी और दुनिया की सब तो वड्डी ते स्थिर अर्थव्यवस्था सी। 80 साल बाद यानी 2024 दे विच दुनिया का 80% व्यापार ते 58% पेमेंट डॉलर चुंदी आ, नाल ही दुनिया का 64% लोन ते 59% फॉरन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर दे विच ही आ। अमेरिकी डॉलर दे इसे दबदबे नूं घट करन दी जिहड़ी कोशिश हुंदी रहिंदी आ, 22 तो 24 अक्टूबर 2024 तक रूस दे कजान शहर दे विच ब्रिक्स की 16वीं समिट हो रही है, जिहदे च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिहड़े इत्थे पुज्जे आ, ते डी डॉलराइजेशन ते न्यू पेमेंट सिस्टम अहम एजेंडा आ। सो अमेरिकी डॉलर किवें बनिया दुनिया का सब तो मजबूत करंसी। मान लो जी, भारत नूं पाकिस्तानी करंसी के उपर भरोसा नहीं, ऐसे दे विच पाकिस्तानी करंसी के विच व्यापार नहीं करेगा। ऐसी ही समस्या दे रही 1944 दे विच तमाम देशों ने मिलकर डॉलर नूं बेस करंसी बनाया सी, यानी भारत पाकिस्तान दे विच डॉलर दे विच कारोबार जिहड़ा हो सकता है जां उह करदे आ, क्योंकि उहनूं पता है कि अमेरिकी डॉलर डुबेगा नहीं, तो जरूरत पैण दे उत्ते अमेरिका डॉलर के बदले सोना दे देगा। यह व्यवस्था करीब 3 दशक चली। डॉलर दुनिया की सब तो सुरक्षित करंसी बन चुका सी, लेकिन 1970 दे विच कई देशों ने डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू करती। ये देश अमेरिका नूं जिहड़ा डॉलर दिंदे ते उस तो बाद बदले सोना लैंदे, इहदे नाल अमेरिका का सोने का भंडार जिहड़ा उह खत्म होण लगा। डॉलर की मजबूती की एक होर वड्डी वजह सी, दरअसल 1945 दे विच अमेरिका के राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने सऊदी दे नाल करार किया। करार की यह शर्त सी कि उहदी सुरक्षा अमेरिका करेगा, तो बदले दे विच सऊदी सिर्फ डॉलर दे विच तेल बेचेगा, यानी अगर देशों नूं तेल खरीदना है तो उन्होंने कोल डॉलर होने जरूरी है। सो डॉलर की पावर के दम के उत्ते अमेरिका जिहड़ा किवें बैठा बिठाया अरबां रुपए कमांदा आ। असी किसी चीज़ नूं देखण दे लई कई तरीकां दे नाल उहदा दाम चुकांदे आ खरीदण दे लई। सो जिवें कैश, ऑनलाइन बैंकिंग, UPI ट्रांसफर, ऐसे दे विच दुनिया भर के देश आपस दे विच व्यापार करन दे लई अमेरिका दे स्विफ्ट नैटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिहदे जरिए अमेरिका बैठे बिठाए जिहड़े उह पैसे कमांदा आ। सो स्विफ्ट नैटवर्क के नाल बैठे बिठाए अरबां डॉलर कमांदा अमेरिका। मान लो अडानी ग्रुप नूं पाकिस्तान के किसी कारोबारी तो $10,000 की सूरजमुखी खरीदनी आ। सो स्विफ्ट नैटवर्क के जरिए ट्रांजैक्शन 5 स्टैप होएगा। सब तो पहला, अडानी ग्रुप अपने भारतीय बैंक नूं जिहड़ा $10,000 के बराबर भारतीय रुपए भेजेगा। फिर भारतीय बैंक का अमेरिकी बैंक के विच खाता हुंदा, उत्थों दी डॉलर के विच एक्सचेंज करके पेमेंट करन नूं कहेगा। भारतीय खाते वाला अमेरिकी बैंक दूसरे पाकिस्तानी खाते वाले अमेरिकी बैंक के विच पैसा ट्रांसफर करेगा, दूसरा अमेरिकी बैंक पाकिस्तानी बैंक के विच ट्रांसफर कर देगा। पाकिस्तानी बैंक के विच कारोबारी $10,000 के बराबर पाकिस्तानी रुपए जिहड़े उह कढ सकदा है। 1973 दे विच 22 देशों के 518 बैंकों के नाल स्विफ्ट नैटवर्क शुरू होया सी। फिलहाल इहदे च 200 तो ज़्यादा देशों के 11,000 बैंक शामिल आ जो अमेरिकी बैंकों के अपना विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। हुण सारा पैसा तो व्यापार के नहीं हुंदा, इसलिए देश अपने एक्सट्रा पैसे नूं अमेरिकी बॉन्ड के लगा देंदे आ, जिहदे नाल कुछ ब्याज मिलता है। सारे देशों मिला के पैसा करीब $7.8 trillion यानी भारत की इकोनमी तो भी दुगना ज़्यादा। इस पैसे का इस्तेमाल अमेरिका अपनी ग्रोथ के करता है। अगे जी, डॉलर नूं रिप्लेस करन दे लई चीन रूस क्यों की कोशिश कर रहा है। रूस दुनिया का दूसरा सब तो वड्डा तेल ते गैस का उत्पादन करन वाला जिहड़ा उह देश आ, ते उहदे सब तो वड्डे खरीदार यूरोपीय देश आ। अप्रैल 2022 दे विच रूस ने नैचुरल गैस खरीदण वाले यूरोपीय यूनियन दे देशां नूं कहा कि उह डॉलर या यूरो की बजाय बिल का भुगतान रूबल दे विच करन। यानी जो देश पहला रूस तो गैस खरीदण दे लई अमेरिकी बैंक दे विच डॉलर रिजर्व रखते सी, उन्हां हुण रूसी सेंट्रल बैंक दे विच रूबल रिजर्व रखवाणा पैंदा आ। इस तरह बाकी चीज़ां दे निर्यात दे लई भी रूस ने अनफ्रेंडली देशों तो रूबल च पेमेंट करने की मांग की है। यदि वजह के नाल रूस के गैस एक्सपोर्ट के गिरावट आई है।
यूरोपियन यूनियन 2021 तक करीब 40% गैस रूस तो इंपोर्ट करता सी, 2023 दे विच कट के लगभग 8% जिहड़ी उह हो गई है। सो डॉलर नूं युआन दे नाल प्रेस करन दे लई चीन की कोशिश, स्विफ्ट की तरह ही चीन दे सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना CIPS नाम दा सिस्टम बनाया है। इस पेमेंट सिस्टम तो करीब 117 देश के 1552 बैंक जुड़ चुके हैं। पिछले साल इस सिस्टम के जरिए 1.23.06 trillion युआन चीन की करंसी है, जो कि इस तो ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होया। युआन रिजर्व को बढ़ावा देने के लिए चीन ने 40 तो ज़्यादा देशों के नाल करंसी स्वैप एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के तहत दो देशों को व्यापार करने के लिए हर बार स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है, एक फिक्स अमाउंट का ट्रेड वह देश अपनी करंसी के विच कर सकते हैं। नवंबर 2023 के चीन ने सऊदी अरब के नाल एग्रीमेंट किया, ये 3 साल के लिए डॉलर की बजाय युआन का इस्तेमाल कर करंसी स्वैप की जाएगी, जिसकी वैल्यू करीब 6.3 बिलियन डॉलर है। ये डॉलर का दबदबा घटेगा। 2024 की ब्रिक्स समिट के इनू लैके की हो रहा है, भारत का की रोल होएगा। 22 से 24 अक्तूबर तक रूस के कजान शहर के ब्रिक्स का 16वां समिट जिहड़ा वह चल रहा है, यानी इस बार ब्रिक्स समिट की मेजबानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। 19 अक्तूबर 2024 पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स करंसी के हुण समय हजे लग सकता है, ब्रिक्स नैशनल करंसी के उपयोग को बढ़ाने ते इहनूं सुरक्षित बनाने के लिए रिसर्च कर रहा है। सो काफ़ी अगे लोग अपने अपने विचार देंदे इहदे उत्ते, ते डी डॉलराइजेशन जिहड़ी उह पॉसीबल आ, अगर हाँ तो किस हद तक। अमेरिका ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਆ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਚੀਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।